हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। आज मैं आपके सामने मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2019 का पेपर लेके आया हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। मैं यहाँ पर उस पेपर को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करूँगा, हर क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा, हर ऑप्शन पर डिस्कस करूँगा। आपको हर क्वेश्चन पर फोकस करना है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ परफॉर्मेंस फैक्टर, कौन सा प्रश्न का कारक नहीं है, टीचिंग एबिलिटी, ये टीचिंग की प्रक्रिया है, टैक्टिकल, कंडीशनल, टेक्निकल, ये तीनों जो हैं कोचिंग की प्रक्रिया है। कोचिंग मीन्स ट्रेनिंग में इसका यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन मसल कॉन्टैक्ट बट नो मूवमेंट टेक प्लेस इट इज नोन एज, जब पेशी संकुचित होती है परंतु कोई गति नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है, आइसोमेट्रिक, इस बात को ध्यान रखेंगे। जितने भी स्टेबल रह के कोई भी चीज़ की जाती है वो आइसोमेट्रिक होती है। कोई भी आप ट्रेनिंग कंडीशनिंग कुछ भी करते हो आइसोमेट्रिक में। आइसोटोनिक का मैं एग्जांपल बता देता हूँ, वेट ट्रेनिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है वेट ट्रेनिंग किसके अंदर आता है, आइसोटोनिक या आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक वेट ट्रेनिंग जो है आइसोटोनिक का एग्जाम्पल है। आइसोकाइनेटिक की बात करते हैं, मशीन द्वारा जब आप ट्रेनिंग करते हैं उसको बोलते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मूंछ के लिए निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा को सही क्रम से लिखिए। आपने ये नाम सुना होगा प्राइज। प्राइज एक अपने आप में बहुत बड़ा रूल है, यह एक हथियार है। पी से मतलब होता है प्रोटेक्टिव, आर से मतलब होता है रेस्ट, आई से मतलब होता है आइस, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन। तो यहाँ पे सही क्रम लिखना है, रेस्ट बिल्कुल सही है, आइस बिल्कुल सही है, कंप्रेशन बिल्कुल हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। स्प्रेन जो है वो लिगामेंट की इंजरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ट्रेनिंग रेंजिंग फ्रॉम 7 मंथ टू 12 मंथ इज नोन एज, 7 महीने से 12 महीने तक चलने वाले प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है, मैक्रो, सबसे बड़ा चक्र होता है मैक्रो। माइक्रो सबसे छोटा, मीजो मिडिल का होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मिड सबसे छोटा, स्मॉल चक्र, और सबसे बड़ा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये तीनों जो चक्र हैं वो ट्रेनिंग के दौरान में यूज किए जाते हैं। एक ट्रेनिंग पीरियड सेट करते हैं, हमें कौन सा चक्र बनाना है, कौन उसके आधार पर हमने ट्रेनिंग करनी है। अगर लंबा हमारा कंपटीशन 1 साल बाद है तो हम मैक्रो लेंगे, 6 महीने बाद आ रहा है या कुछ समय बाद है तो हम मीजो लेंगे, बहुत ही नज़दीक है तो माइक्रो लेते हैं। वो ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है कौन सी ट्रेनिंग करने वाले हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द रिसेप्टर लाइंग इन जॉइंट एंड मसल्स आर प्रोप्रियोसेप्टर्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, 1 ग्राम जब आप कैलोरी लेते हैं तो आपको कितनी, 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपको कितनी कैलोरी मिलती है, 4, फैट से 9, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का सबसे अच्छा तरीका है डेमोंस्ट्रेशन मेथड। एक्सप्लेनेशन मेथड की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को विस्तार से बताना। कमांड मेथड की बात करते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिदमिक, एक होता है रेस्पॉन्स। रिदमिक और रेस्पॉन्स 2 टाइप्स की कमांड होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेक्चर, किसी चीज़ का लेक्चर देना, लंबे समय तक देते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक मांसपेशी क्षमता मापता है, सिटअप्स, पुलअप्स, पुशअप्स। यहाँ ताकत और एंड्योरेंस जब दोनों मिल जाते हैं तो हम उसको आइसोटोनिक बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें 3 हो जाएगा आंसर हमारा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्रॉस वेवर टेस्ट क्या मेजर करता है, कितने आइटम होते हैं क्रॉस वेवर में, 6, ध्यान रखना। आइटम मींस 6 प्रक्रिया होती हैं, 6 अलग अलग करने के तरीके होते हैं।
इसमें क्या होता है, हमारे जो मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करता है ये टेस्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर अ गुड टेस्ट द डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, पहले रिलायबिलिटी आती है, फिर वैलिडिटी आती है, फिर ऑब्जेक्टिविटी, फिर एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, इस बात को ध्यान रखेंगे। डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज, बड़े से छोटा जा रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सार्जेंट मेजर करता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्पीड कितने टाइप्स की होती है, पांच प्रकार की होती है स्पीड। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है जब स्पीड प्लस स्ट्रेंथ जब मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। स्पीड प्लस स्ट्रेंथ इजिकल टू एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। स्पीड पांच प्रकार की होती है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खिलाड़ियों के जकृत में ग्लाइकोजन की लगभग मात्रा संचित रहती है 70 से 100 ग्राम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड लॉगजा, लॉगजा को किस नाम से जाना जाता है, टिटनेस। टिटनेस क्या होता है, जब इंजरी हो जाती है, लग जाता है, कट पे जाता है, तो एक इन्फेक्शन होने लग जाता है। इन्फेक्शन में क्या होता है, मसल कॉन्टैक्ट होने लगती हैं और रिलैक्सेशन होना बंद कर देती हैं, तो उसका जो पूरा जो प्रभाव पड़ता है ब्रेन पर पड़ता है, इसलिए सबसे खतरनाक होती है। लेप्रेसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, ऊपर की मांसपेशियां पूरी सड़ जाती हैं, फोड़े वोड़े फुंसी टाइप की हो जाती है। रेबीज का मतलब होता है कुत्ते से काटने से, कैट से चिमगादड़ जो होती है, डॉग, मंकी, इन जितने भी एनिमल्स हैं उनसे हो जाता है। मीजल्स का मतलब होता है खसरा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द इनबॉर्न जनरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी जो है पैदासी सामान्य मनोवैज्ञानिक आदतें, पैदासी वो ट्रेड एंजाइटी। एंजाइटी की बात करें दो प्रकार की होती है, स्टेट एंजाइटी और ट्रेड एंजाइटी। ट्रेड एंजाइटी, स्टेट एंजाइटी, टू टाइप्स एंजाइटी, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास ऑफ फिजिकल, सारी शिक्षा की कक्षा की वस्तु प्रस्तुत करने के लिए सही क्रम का चयन करें। सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं, किसी को जब कराते हैं तो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, फिर प्रैक्टिस, फिर करेक्शन, फिर इवेल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनार, 16 पर्सनैलिटी क्वेश्चनार किसने दिया, कैटल, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसने दिया था, कैटल ने। कार्ल जंग की बात करें, इसने पर्सनैलिटी दी थी इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, टू टाइप्स की पर्सनैलिटी दी थी जंग्स ने। कार्ल स्पेंस की बात करें, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। कार्ल स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, कार्ल जंग्स ने टू टाइप्स की पर्सनैलिटी थी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रजर लंग वॉलीबॉल टेस्ट क्या मापता है, इसके अंदर है? तो इसके अंदर जो आता है वो सर्विंग एबिलिटी आती है और वॉली एबिलिटी आती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सर्विंग एबिलिटी और बॉलिंग एबिलिटी, वॉलीबॉल का टेस्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ आर, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, आपको पता है न्यूट्रिशन भी प्रभावित करता है, एरिडिटी भी प्रभावित करती है, एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, दिक्कत होने लग जाएगी। अनुवांशिकता पहले पैदा से आप पेड़े लूंगे लंगड़े लूंगे तो आपको दिक्कत है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेते हैं, भोजन अच्छा नहीं खाते तो भी आपको दिक्कत है, तो आपकी ग्रोथ को ये फैक्ट प्रभावित करना ही करना है और करेंगे ही, इस बात को देंगे, इसलिए आप प्रॉपर बैलेंस डाइट लें समय समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फूड आर विटामिन नोन एज, विटामिन भोजन के प्रकारों में किस नाम से जाना जाता है,
प्रोटेक्टिव, इस बात को ध्यान रखें कि इसमें प्रोटेक्टिव विटामिन क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव विटामिन जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विटामिन की जो खोज की थी कैसीमर फंक, इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देता हूँ विटामिन से, विटामिन ए को ग्रोथ विटामिन बोलते हैं, ग्रोथ विटामिन। विटामिन सी को बाउंड भरने में काम आती है, ध्यान रखना बाउंड मतलब गाँव वाव जो बाजार चोट लग जाती है उसमें भरने का काम करती है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलती है, विटामिन ए गाजर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय, डेंगू जो होता है वो बारिश के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेम द ओनली वुमन रेसलर हु वॉन अ मेडल इन ओलंपिक गेम्स। साक्षी मलिक मैरी कॉम बॉक्सर है, बबीता फोगाट ये भी रेसलिंग की प्लेयर है, गीता फोगाट ये भी रेसलिंग की प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सैडल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी थंब में पाया जाता है, थंब की बात करें तो कार्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है ग्रीन वेजिटेबल, पालक है एग्जांपल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है फैलाव, इसके अंदर कौन आता है, सेंट्रल डेविएशन, इस बात को ध्यान रखेंगे। मीन मोड ये सब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के पार्ट हैं, सेंटर टेंडेंसी के पार्ट हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज आइडेंटिफाइड, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की प्रमुख भूमिका की पहचान किस रूप में की जाती है, लीडर के रूप में की जाती है। एक अच्छा लीडर होगा तो मोटिवेटर भी अपने आप में होगा, मैनेजर भी अपने आप में होगा, प्लानर भी अपने आप में होगा। जब एक कोई भी अच्छा लीडर होता है तो उसके अंदर ही सारी चीज़ की क्वालिटी उसके पास होती हैं। और अच्छा लीडर अगर देखा जाए तो वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा लीडर वही कहलाता है। दुनिया में जितने भी जो लीडर हैं 95% सब के सब डेमोक्रेटिक लीडर हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम महिला कुश्ती को किस वर्ष में शामिल किया गया, ये क्वेश्चन गलत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। महिला कुश्ती को शामिल किया गया था वो 2004 में किया गया था, ये इसका जो आंसर गलत है, इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रिसर्च प्रपोजल मीन, रिसर्च प्रपोजल का जो अर्थ होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क टू बी कंप्लीट, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फीफा के अनुसार फीफा टूर्नामेंट मैच में कितने खिलाड़ियों को स्थानांतरित किया जा सकता है, 3 खिलाड़ियों को। फीफा की फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा कब बना था 1904 में, फीफा कब बना था 1904 में, ओलंपिक में शामिल किया गया था 1908 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। फीफा 2018 में कहां पर होगा, रशिया में हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। फीफा 2022 में कतर, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि शोध को एक शब्द के द्वारा परिभाषित करना हो तो शोध है इन्वेंशन, डिस्कवरी, न्यूलॉजी, ये सब रिसर्च के पार्ट हैं। नई नई खोजें होती हैं, नई इन्वेंशन भी होता है, डिस्कवरी भी होती है, न्यू नॉलेज भी मिलती है, ये सब आगे बढ़ेंगे। रामानुजन कप इज एसोसिएटेड विद, किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस, इस बात को ध्यान रखेंगे, किससे, टेबल टेनिस।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्पीडोमीटर डिस्टेंस कवर को करता है। डिस्टेंस कवर्ड, कितनी दूरी कवर करी है हम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग, फिर बजटिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग। ध्यान रखेंगे इस बात को, मैं बता देता हूँ दोबारा से। सबसे पहला प्लानिंग, बजटिंग, डायरेक्टिंग, तीसरा फिर कोऑर्डिनेटिंग, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टॉप स्पिन ऑन वॉलीबॉल कॉज, वॉलीबॉल पर टॉप स्पिन का परिणाम होगा। ये इसका जो आंसर है गलत, शॉर्टर बाउंसर नहीं होता, लोअर एंगल ऑफ रिबाउंड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका आंसर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर केनेथ कूपर इज एक्सप्लेन्ड 12 मीटर रन वॉक टेस्ट दिया था 1976 में। जेसीआर टेस्ट की बात करें तो 1947 में दिया था फिलिप्स ने दिया था। हार्वर्ड टेस्ट की बात करें 1947 में दिया था लुईस ब्रोहा 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पीरियडाइजेशन विच फेज आर नोन एज अ फेज ऑफ वेस क्रिएशन, प्रिपरेटरी फेज। पीरियडाइजेशन पीरियड की अगर बात करते हैं, तीन पीरियड होते हैं, प्रिपरेटरी पहला फेज होता है, दूसरा कंपटीशन होता है, तीसरा ट्रांजिशन पीरियड होता है। पहला पीरियड होता है ये शुरुआत का पीरियड, इसमें व्यक्ति सारी कमियों को दूर करता है, ट्रेनिंग, एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, इस तमाम प्रकार की ट्रेनिंग का यूज करता है। कंपटीशन जब नज़दीक आ जाता है तब स्पेसिफिक करता है। ट्रांजिशन पीरियड जब सब कुछ खत्म हो जाता है, रेस्ट पीरियड जिसको बोलते हैं, स्ट्रेचिंग करता रहता है हल्का पुल्का, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सीक्वेंस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन ऑर्डर टू ट्रेन एब्डोमिनल मसल्स वी नीड टू फ्लैक्स, उधर की मांसपेशियों को प्रशित करने के लिए मोड़ना पड़ेगा हिप जॉइंट, इस बात को ध्यान रखेंगे। शोल्डर जॉइंट को हम मल्टी एक्जियल जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी एक्जियल। नी जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट होता है। एग्जाम पूछा जाता है हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्पायरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, स्पायरोमीटर वाइटल कैपेसिटी, जो वाइटर कैपेसिटी को मापते हैं एक और से पिक फ्लो मीटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। ब्लड प्रेशर सेस्पिरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम नॉट इंक्लूड, विश्वविद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है हेल्थ रिसर्च। स्कूल में हेल्थ रिसर्च नहीं होती, हेल्थ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, हेल्थ सर्विस दी जाती है, हेल्थ सुपरविजन। आगे बढ़ेंगे, विषय वस्तु का परिचय प्रदर्शन अभ्यास त्रुटि सुधार के माध्यम से पढ़ना है, डिडक्टिव टीचिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन अ पार्ट ऑफ बॉडी हैज फ्रैक्शन अगेंस्ट एनीथिंग इज रिजल्ट इन, जब शरीर का कोई भाग किसी चीज़ से रगड़ जाता है उसका परिणाम क्या होता है? बियरिंग सेनेशन, ब्लीडिंग नहीं होती, कट नहीं होता, शॉक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं एब्रेशन। क्या बोलते हैं? एब्रेशन। रगड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? एब्रेशन, एब्रेशन इंजरी। प्री स्कूल चिल्ड्रेन लर्न थिंग वाई, जो छोटा बच्चा होता है 2-2.5 साल या 3 साल का, तो उसको जो चीज़ सिखाई जाती है वो इमिटेशन, एक मेथड होता है इमिटेशन। 7-8 साल का जब बच्चा होता है, 5 साल का, उसको डेमोस्ट्रेशन मेथड जब ये दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका मिलान करना है, सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्प्रिंट, तेज दौड़ हेतु ऊर्जा, एनारोबिक, मेटाबॉलिक, ऑक्सीजन डिफिशेंसी, ऑक्सीजन डेप्थ,
स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स मायोग्लोबिन, रेस्ट बिटवीन एक्सरसाइज रिकवरी पीरियड, तो आप मिला सकते हैं इसमें, देख सकते हैं इसका जो आंसर है 4 है, मिला सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट अवार्ड फॉर प्लेयर इन इंडिया, भारत में खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न कब दिया गया था, 1991 में इसकी शुरुआत हुई, 91-92 में, द्रोणाचार्य की बात करते हैं 1985 में, अर्जुन की बात करते हैं 1961 में। क्वेश्चन पूछता है आपसे, ध्यान रखेंगे इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सॉफ्टवेयर यूज फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इन वॉलीबॉल गेम, डाटा वॉली, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधिकतम पसीना गारंटी मौजूद होती है पाम में, इस बात को ध्यान रखेंगे, पाम के बाद आर्मपिट भी आता है, सोल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल, ट्रेनिंग साइकिल को हमें सीक्वेंस में लगाना है, सबसे पहले हम गोल से गोल करते हैं, फिर एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग करते हैं, फिर इवेल्यूशन करते हैं, फिर उसका फीडबैक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किनेसियोलॉजी इज द स्टडी विच इज रिलेटेड, किनेसियोलॉजी किसका अध्ययन करती है, मोशन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओलंपिक खेलों में प्रथम महिला बरोत्तलक पदक विजेता भारतीय महिला कौन सी, कमल कर्णम मल्लेश्वरी, क्या कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सॉफ्टवेयर, निम्न में से एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, एक्सेल, बाकी सब माउस मॉनिटर पेन ड्राइव, ये सब क्या है, हार्डवेयर, इस बात को ध्यान रखेंगे, हार्डवेयर है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए जेनेटिक एंडोमेंट, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक धरोहर है, स्पीड, जो स्पीड है जो हमें जन्म से मिलती है, मैंने बताया था स्पीड 5 प्रकार की होती है, एंडोरेंस 2 प्रकार का होता है, स्ट्रेंथ 3 प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में, तो हम यहाँ पर स्पीड पर बात करेंगे। तो जो स्पीड होती है वो जेनेटिक होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, स्पीड को कभी बढ़ाया नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग समेटो टाइप नॉट बीन मेंशन बाय सेल्डन, निम्न में से समेटो टाइप का उल्लेख सेल्डन द्वारा नहीं किया गया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एंडोमोर्फ भी किया था, मीजोमोर्फ भी किया था, एक्टोमोर्फ किया था, ओमोर्फ नहीं किया था, 3 प्रकार की पर्सनैलिटी दी थी किसने, शेल्डन ने 3 प्रकार की पर्सनैलिटी दी थी, पहला एंडोमोर्फ, एक्टोमोर्फ, मीजोमोर्फ। मीजोमोर्फ सबसे बढ़िया होता है, एथलीट बॉडी होती है, इस बात को ध्यान रखें, एथलीट बॉडी। एंडोमोर्फ का मतलब होता है मोटू ढोलू गोंड पर्सन, एक्टो मतलब बहुत ही पतला। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ FIH, हाउ मैनी क्वार्टर आर देयर इन हॉकी, 4 क्वार्टर होते हैं हॉकी की बात करें, हॉकी की बात करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का राष्ट्र खेल है हॉकी। विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रीटेड एज ए वेरिएबल, निम्न में से कौन सा चार नहीं माना जाता है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एल्वोलाई इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से रिलेटिव होता है, नर्वस ब्रेन से, डाइजेस्टिव आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2020 के ओलंपिक कहाँ होंगे, जापान, आपको पता है जापान।
अब ये ओलंपिक टल गए हैं, 2021 में होंगे। कब होंगे? 21 में, कोरोना वायरस के कारण। जो 2020 में ओलंपिक होने थे वो 2021 में होंगे कोरोना वायरस के कारण, होंगे जापान में, जापान के टोक्यो शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर कौन सा आता है या क्या कहा जाता है, वो रेंज डेविएशन, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल बायोप्सी इज यूज डायग्नोसिस। मांसपेशियों बायोप्सी यह पता करने के लिए की जाती है। टाइप्स ऑफ फाइबर, टू टाइप्स के फाइबर होते हैं, रेड मसल्स फाइबर, वाइट मसल्स फाइबर। बॉडी कंपोजिशन की बात करते हैं, बॉडी कंपोजिशन टू टाइप्स की होती है, लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास, परसेंटेज ऑफ फैट, बॉडी कंपोजिशन है। बीएमआई की अगर बात करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, इसको कुटलेट के भी नाम से जानता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ बीएमआई का, वेट किलोग्राम अपॉन हाइट मीटर। आगे बढ़ते हैं, स्कूल हेल्थ सर्विस इन इंडिया स्टार्ट इन ईयर 1909 में शुरुआत की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिति में सीखी गई सीख एवं आदतों को दूसरी स्थिति में वहन करना क्या कहलाता है, ट्रांसफर लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग, इस बात को ध्यान रखेंगे। थॉर्नडाइक ने तीन प्रकार की लर्निंग दी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड इंप्रूव एंड्योरेंस, एंड्योरेंस टू टाइप्स, स्पीड फाइव टाइप्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू टाइप्स, स्ट्रेंथ थ्री टाइप्स। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीड कितने प्रकार की होती है, एंड्योरेंस कितने प्रकार का होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार की, स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनती है बॉडी, एक सिस्टम तैयार खड़ा हो जाता है। लिगामेंट की बात करें, बोन से बोन जुड़ने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेल के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी, टिश्यू के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रिएक्टिव मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लायोमेट्रिक, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च। इसमें क्या विचारों विचार होते हैं, और आपको पता है विचार कभी किसी के सेम नहीं होते, सबके अपने व्यक्तिगत विचार जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, ध्यान रखेंगे, इसीलिए क्रिटिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंगल नेशनल टर्म इज एसोसिएट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग, रेसलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साई कब बना 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन स्कोर टी टेस्ट, ध्यान रखेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव अराउंड, ये क्वेश्चन गलत है, इसका जो आंसर ये वर्टिकल एक्सिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने खेलों की स्पर्धा की गई थी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपरेटस मेजर रेंज ऑफ मोशन, गोनियोमीटर, गोनियोमीटर से क्या मापते हैं रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट्स जो होते हैं उनका एंगल, सिस्मोमीटर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर।
डायनोमीटर स्ट्रेंथ, इस बात को ध्यान रखें, स्ट्रेंथ उसके मतलब हार्ट बीट, हार्ट बीट डॉक्टर गले में पड़ा रहता है वो होता है स्ट्रेंथ। इसको नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ स्पोर्ट, सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वर्क इज प्रोमोट एंड मोटिवेट पीपल इज नोन एज लीडरशिप। लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, उसके अंदर सारे क्वालिटी होती है, सारे गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एथलीट हार्ट, आ हाइपोट्रॉफिक कंडीशन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्टिकल फंक्शन इज एसोसिएट विद टच, टैक्टिकल टच, इस बात को ध्यान रखें। स्पेशल सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट द रेजुअल वॉल्यूम ऑफ लंग 1200 ml होता है, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हाइपर एक्सटेंशन होकर व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड 180 एंगल से अगर ज़्यादा होगा तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। द लॉ ऑफ लर्निंग हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ एनीमिया ऑकर व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्सटेंड फ्रॉम -1 से +1 के बीच में होता है, कोफिशिएंट कोरिलेशन, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड फॉर अ पीरियड, 5 सेकंड का होता है, आपको मिलान करना है। मैकेनिकल क्या होता है, इक्विपमेंट होता है। साइकोलॉजिकल मौन इंद्रा होती है। फार्मोलॉजिकल कैफीन होता है। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिला सकते हैं आप। द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन इंटरवल फिजियोलॉजिकल कंडीशन नोन एज हीमोस्टेसिस। ये आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट को बना के रखती है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ सूमो गेम जापान, इस बात को ध्यान रखेंगे, सूमो जो जापान का राष्ट्र खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑर्गन इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, लैरिंग्स। द साइकोमोटर डायमन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद मोटर स्किल। नॉलेज एटीट्यूड, नॉलेज आपका आता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एटीट्यूड आता है आपका अफेक्टिव, अफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच इज द बेस्ट एक्टिविटी टू प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंट इन द स्टूडेंट। निम्न में से कौन सी क्रिया विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए उत्तम मानी जाती है, कॉम्पेटिटिव स्किल, ध्यान रखेंगे इसमें आपको मिला। हैमस्ट्रिंग जो होती है आपकी बैक ऑफ द थाई, ग्लूटिस जो होता है हिप में होता है, लैटिस मेटोरस आपके लेटरली अपर बैक होता है, गैस्ट्रोमियस का मसल्स को बोलते हैं,